जय जगन्नाथ। हेलो फ्यूचर साइंटिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी फिजिक्स प्रेप। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए प्रीवियस ईयर बीएचयू एमएससी एंट्रेंस क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज इन बीएचयू 2019। बिफोर स्टार्टिंग दिस सॉल्यूशन आई वांट टू शेयर सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीएचयू एमएससी एंट्रेंस देन फॉर यू वी अपलोड ए वीडियो ऑफ BHU previous year MSc entrance question solution every day at 8 PM. It will help not only for BHU MSc entrance but also for other exams like CU, CT, CPAT, SCU and many more. The question is, broad sources are required in. The first option is biprism experiment, second option is Newton's ring experiment, third option is both A and B, fourth option is none of this. देखें, actually जो broad sources है ना, वो क्या करता है, वो interference phenomenon, इन थिन फिल्म्स इसमें यूज होता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट में क्या होता है, जो रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट आर डिफरेंट एंगल्स and the reflected parallel beams reach the eye or microscope objective. So isme rays of light na different incident angle mein reflected hota hai. Theek hai, jo reflected beam hai wo parallel to eye aata hai. Theek hai, to ye jo broad sources se interference phenomenon hai, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि न्यूटन्स रिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो इंटरफेरेंस का ही है। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू। जय जगन्नाथ।